मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन बुधवार को एनेक्सी भवन के सभागार में आयोजित किया गया। मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, प्रमुख सचिव उद्यान सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव ग्राम विकास अनुराग प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन बी मीणा ने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही किया। इस मौके पर गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल और बस्ती मंडल के कमिश्नर, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि मंडल में कृषकों की आय दुगना करने के लिए समस्त संबंधित विभागों की समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दुगना करने के उद्देश्य से कृषि के साथ साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी, साग सब्जी आदि के समायोजन करते हुए समन्वित कृषि प्रणाली का विकास करके उसके प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करना है। उन्होंने रबी की तैयारियों को विस्तार से रखा। मंडली रबी उत्पादकता गोष्ठी में मौजूद आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने कहा कि रबी गोष्ठी एवं किसान गोष्ठी केवल फसल उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि खेती से जुड़े हुए सभी बिंदुओं से जुड़ा है। कृषि विकास ग्रामीण विकास के साथ जुड़ा है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का गुणात्मक समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि किसान की भूमिका मात्र कृषि उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि उसे उद्यमी भी होना है, जिससे उनकी आमदनी बढ़े तथा उत्थान हो सके। खरीफ में 7 लाख और जायद में सिर्फ 25,000 हेक्टेयर पर खेती है।
जिसका मतलब सर ये है कि 1 लाख हेक्टेयर जो खरीफ में कम होती है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सर जल भराव है, और जल भराव में सर प्रमुखतया आमी नदी और बासी नदी है सर, जहाँ पर जल भराव में एक और अंचल जो है सर जिसमें जल भराव हुआ है सर, इसमें हमने एक अलग से टास्क फोर्स बनाई है सिंचाई की PWD की, जिससे कि सर जो पुलिया बननी चाहिए थी रोड बन रही है, पुलिया नहीं बनी है, और कृषि विभाग और उस पर सर हम काम कर रहे हैं, और एक हम बहुत शीघ्र सर इस पर एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेंगे। जो विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है जिसका अंतिम लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलना है, उनमें कैसे हम बढ़ोतरी करें, जैसे अभी बस्ती मंडल के मंडलायक महोदय बात कर रहे थे, ये और भी जिलों में और भी मंडलों के लिए लागू हो सकता है कि आपके यहाँ यद्यपि अभी इसके बारे में किसी ने समस्या नहीं बताई है, क्योंकि अभी उर्वरक का इस्तेमाल अभी तो जब फसल बोई जाएगी तब इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उर्वरक की उपलब्धता इतनी है कि नहीं है कि कहीं कोई किसी किसान को कहीं प्रतीक्षा न करनी पड़े। प्री पोजिशनिंग है जो रबी की फसल में आवश्यकता है कुल 18% बस्ती जिले में, कुछ जिलों में 25% है, कुछ में 30% है, तो ये 10-12% का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क हो सकता है जब अचानक इसकी डिमांड होगी। अगर कहीं प्री पोजिशनिंग कम है इसमें जरूर बात होनी चाहिए कि क्यों कम है, उसको पूरा नहीं किया गया है, कैसे अभी भी इसको पूरा कर सकते हैं ताकि उस समय गड़बड़ाई ना हो। बस्ती मंडल के मंडल इसमें विकास डाला जाएगा, विशेष रूप से बस्ती जनपद में इतनी कमी क्यों रह गई है प्री पोजिशनिंग में, देखने की बात है।